मैं हूं आपके साथ निशा बर्णवाल। एक तरफ जहां शिक्षा विभाग बिहार की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए लगातार हर तरीके से पहल कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ बिहार के सरकारी स्कूलों से जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है वो काफी ज्यादा हैरान कर देने वाली है। दरअसल देखा जाए तो इस तस्वीर के सामने आने के बाद कई सारे सवाल खड़े होने लगे हैं। सवाल ये कि क्या बिहार के सरकारी स्कूल के शिक्षक स्कूलों में आकर बच्चों से ही अपनी सेवा लेंगे? सवाल ये कि क्या शिक्षक बच्चों को पढ़ाने के बजाय बच्चों से अपनी सेवा लेंगे, अपनी मालिश करवाएंगे और बच्चे शिक्षा ग्रहण करने की बजाय उनकी सेवा करेंगे? दरअसल इस वीडियो को आप देखेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। इस वीडियो में आपको साफ दिख रहा होगा कि कैसे एक मासूम बच्चा शिक्षक के जू निकाल रहा है। इस वीडियो के सामने आने के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। पहले आप इस पूरे वीडियो को देखिए, उसके बाद हम बताएंगे कि आखिर ये मामला किस जिले के किस प्रखंड का है। इस वीडियो के सामने आने के बाद जब मामले की जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि यह वीडियो सहरसा जिले के मकदमपुर गांव के प्राथमिक विद्यालय का है, जहां पर एक छोटे से बच्चे से शिक्षक जू निकलवा रहे हैं। इतना ही नहीं, इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि शिक्षक कुर्सी पर आराम से बैठे हुए हैं, वहीं बच्चा उनकी जूएं निकाल रहा है और शिक्षक मोबाइल चला रहे हैं। सवाल ये उठने लगे हैं कि क्या शिक्षक अब बच्चों को पढ़ाने के बजाय उनसे ही सेवा लेंगे? इस पूरे मामले को लेकर जब सहरसा के जिला शिक्षा पदाधिकारी जियाउल हुदा खान से सवाल पूछा गया कि बिहार में आपके जिले के जो शिक्षक हैं वो बच्चों से जू निकलवा रहे हैं, तो उस पर उन्होंने कहा कि हाँ, मामला संज्ञान में आ चुका है, अब इस पूरे मामले को लेकर जाँच पड़ताल की जा रही है और जाँच के बाद ही उचित कार्रवाई का निर्देश दिया जाएगा। सर, वीडियो वायरल हो रहा है, टीचर का कक्षा के वक्त जो है बच्चों से ढील भिजवा रहे हैं, क्या कार्रवाई की जा रही है? आज हमको ये एक वीडियो संज्ञान में आया है, हम आज जांच करवा रहे हैं। जांच के उपरांत जो जांच प्रतिवेदन आता है उसके आधार पर हम लोग नियम संबंध जो कार्रवाई होगा वो हम लोग करेंगे। लेकिन देखा जाए तो एक तरफ जहां बिहार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार के पाठक लगातार अलग अलग तरीके से पहल कर रहे हैं, लगातार कड़े से कड़े निर्देश दे रहे हैं, ऐसे में इस तरह की तस्वीर सामने आना बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। देखने वाली बात होगी कि आगे इस पूरे मामले को लेकर जब जांच किया जाता है तो क्या कुछ निकल कर सामने आता है। बहरहाल इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी के तमाम वीडियोस के लिए बने रहें लाइव सिटीज के साथ। अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो हमारे पेज को फॉलो कर लें, यूट्यूब पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।